आ जाए भाई, पहले शुरू करा है, आ जाए भाई मोहितपुर के कप्तान। बाहर जा रहा था भाई, मोहितपुर के कप्तान यार कई बार अनाउंस कर देते, हमें तो खुद ली आज आ रही, दोस्त अनाउंस करते करते आ जाओ यार, इतना कहना था अच्छा लगता मेरे को। चलिए भाई आ रहे हैं वो बॉलर ने खान की ये गेंद अजरू के लिए, और इन्होंने से पहले गेंद पर खेला एक रन भाई के रूप में, एक रन एक रन का ला लो छटा खुला एक रन से चला दिया भाई, चला बना इन्होंने 156 का टारगेट है। और अब सामना करेंगे अहमद, हाँ बहुत देर में ठीक है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन अहमद, वाईफाई भी चला रखा। सामना करेंगे खान का, ठीक खान गेंद करेंगे अहमद को, उठा के खेल दिया है बहुत ही लंबा हिट, गगन ज्योति छक्का। और ये इन्होंने अपने इरादे जाहिर कर दिए कि इतनी जल्दी मोहितपुर हार नहीं मानेगा, और मौका लग गया तो यहाँ से जीत कर भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये क्रिकेट है भाई, इसमें कुछ भी हो सकता है। 155 रन हुए तो क्या हुआ, बड़ा शॉट अहमद के बल्ले से आता हुआ, बहुत शानदार शॉट, लेफ्ट हैंड बैट्समैन। अगली गेंद रन के हाथ से खेला, हाथ से खेला पॉइंट की तरफ, एक रन का और इजाफा अहमद के बल्ले से। अहमद जैसे बल्लेबाज है अगर वो क्रीज पर खड़े रहे तो अकेले ही ये टारगेट अचीव कर सकते हैं अपने दम पर, इतने बड़े बल्लेबाज है वो। आज नवाब भाई की बिरयानी बड़ी लजीज हो रही है, जिन्होंने आज नहीं खाया तो पछताएंगे। आज इन्होंने तुडल का चावल इस्तेमाल कर रखा है भाई, और हलाली का मुर्गा और तुडल का चावल। और थोड़ा सा कंफ्यूजन, अब अजरू बढ़िया भाई साथ बढ़िया। और अगली गेंद खान की, और खेलना चाहते थे शुरू बड़ा शॉट, मगर कोई संपर्क नहीं हो पाया बैट और बॉल का। अहमद जो लेफ्ट हैंड से बल्लेबाजी करते हैं, बहुत ही लंबा और ऊंचा छक्का जड़ा उन्होंने खान की गेंद शुरू के लिए, और लेग स्टंप से बाहर ये बॉल अंपायर का सरा वाइड, एक रन का और इजाफा स्कोर में। वाइड गेंद थी, लेग स्टंप पर ये गेंद की ऊपर बाहर, और अगली गेंद उठा के खेल दिया है अजरू के बल्ले, 6 रन के लिए अजरू के बल्ले से। और ये बहुत ही अच्छा शॉट लगाया भाई, नवाब बिरयानी वाले के यहाँ से दो प्लेट कमेंट्री बॉक्स में भेज दे, फिर से उठा के खेला है, और ये हल्की सी मिसफील्ड बॉल गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही अच्छी शुरुआत करी भाई यहाँ पर, शुरुआत शानदार प्रकार की, और ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो गया है 19। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बढ़कर हुआ 19 रन बिना किसी नुकसान के मोहितपुर भी। और एक ओवर की समाप्ति का स्कोर हो चुका है 19 रन, और बहुत ही अच्छी शुरुआत करी जिसकी आवश्यकता थी। दूसरा ओवर लेकर आए हैं आजम, ओके कैप्टन आजम, और बल्लेबाजी के लिए सामना करेंगे उनका अहमद।
लेफ्ट हैंड बैट्समैन रामा बहुत ही अच्छे खेलते हुए यहाँ पर शानदार ये शॉट, पीछे फील्डर मौजूद लेकिन कोई मौका नहीं, बॉल गई बाउंड्री लाइन से बाहर चार रनों के लिए। अंपायर का इशारा नो बॉल, फ्री हिट के रूप में, देखते हैं क्या करते हैं अहमद इस फ्री हिट बॉल पर। खूबसूरत अंदाज से इन्होंने मिड विकेट की तरफ खेल दिया और अपनी टीम के खाते में चार रन, 156 बनाने हैं भाई ने मोहित कुरबी को 156। फ्री हिट अंपायर क्या जो ये उंगली घूम रही है, आजम की ये बॉल अहमद के लिए फ्री हिट, ये बॉल अरबाज है भाई आज बल्लेबाज। एक मरतबा फिर आजम की अगेन हल्के हल्के कदमों से आसान सा कैच लेकिन फ्री हिट ये बॉल, अगर फ्री हिट ना होती तो विकेट करार दिए जाते। बच गए एक रन का इजाफा, अगर फ्री हिट नहीं होते तो हो गए होते यहाँ पर बल्लेबाज, अगर मगर से कुछ नहीं होता फ्री हिट थी। दूसरा ओवर प्रगति पर, स्कोर अब तक हुआ 25 रन। अजरू के लिए उठा के खेल दिया है, पीछे फील्डर मौजूद लेकिन बन के रह गए दर्शक, बॉल गई बाउंड्री लाइन से बाहर चार रनों के लिए। शानदार शॉट, जैसी शुरुआत की अज्जू के बल्ले से ठीक उसी प्रकार की शुरुआत होती हुई और बड़े ही जारा अंदाज से यहाँ पर खेलते हुए अजरू अहमद आजम की गेंद एक मरतबा फिर से उठा के खेला है, बॉल गई तारामंडल में छह रनों के लिए, गगन चुन्नी छक्का, शानदार छक्का। और भाई अपनी बॉल भी थोड़ी सी उठा दिया, मोहितपुर वाला ध्यान रखा रहा था, जो जहाँ बॉल उठा दिया एकदम, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, रनों में इजाफा मोहितपुर बी टीम को आता हुआ एक बड़ा स्कोर बनाया नगला खुदा ने, काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ आजम का ये। मोहितपुर के दोनों ओपनर बल्लेबाज और एक बार फिर आजम की गेंद अजरू के लिए, फिर से उठाकर मारना चाहते थे इस बार सफल नहीं हो पाए लेकिन कोई संपर्क नहीं बल्ले और बॉल का। और दूसरा ओवर यहाँ पर चलता हुआ और यहाँ पर भी रनों की बाढ़ सी आ चुकी है, 156 बनाने भाई ने मोहितपुर भी। अजरू अहमद बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, एक लेफ्ट हैंड एक राइट हैंड, फिर से उठा के मारना चाहते थे, अपील हो रही है आउट की अपील लेकिन नॉट आउट। और मोहितपुर के खिलाड़ी पुराई उत्साहित खुशी से वो जानते हैं कि उनकी टीम के अंदर वो मौका है कि वो मैच जीत सकते हैं। और यहाँ पर नगले ने बहुत बड़ा स्कोर खड़ा किया है और बहुत ही सही शुरुआत दी यहाँ पर मोहितपुर की टीम ने, देखना है इस शुरुआत का फायदा उठा पाते या नहीं आने वाले अगले ओवर में। आजम किए गए नजरू के लिए और एक बार फिर बड़ा हिट मारने का प्रयास, कोई संपर्क नहीं, ओवर की समाप्ति, ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो चुका है 36 रन। दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बढ़कर हुआ 36 रन बिना किसी नुकसान के मोहितपुर भी। देखना है एक बड़ा ही बेहतरीन मैच होता हुआ, मोहितपुर की जूनियर टीम है भाई, मोहितपुर के बीच में देखना है मोहितपुर के बल्लेबाज, नहीं भाई आउट नहीं था, शुरुआत को कहां तक लेकर जाते हैं, बड़ा स्कोर है जो उन्हें चेज करना है इस ग्राउंड पर, अगर आज उन्होंने स्कोर बनाया तो ये पहला रिकॉर्ड होगा इतना बड़ा स्कोर अचीव करने का, अदरवाइज बड़ा स्कोर बनाने वाली टीम आसानी से मैच जीतती है मगर मोहितपुर वाले आसानी से हार नहीं मानने को तैयार। नए बॉलर नाम बता दे भाई, क्या जुनेद जुनेद,
काफी लंबा रन अब दिनेश का सामना करेंगे अहमद। दिनेश अपनी फील्डिंग पर चेक करते हुए काफी अच्छी बॉल करनी होगी अगर उनकी टीम को आपने करनी है। यहाँ से एक बार फिर दिनेश अहमद शानदार शॉट चार रनों के लिए अहमद के बल्ले से बाउंड्री लाइन के बाहर चार रन। काफी अच्छे बल्लेबाज है अहमद, तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं अहमद, सूझबूझ के साथ खेल रहे हैं, शॉट खेल रहे हैं अहमद। पहली ही बॉल पर दिनेश की चार रन लगाया अहमद ने, अपनी टीम के स्कोर को बढ़ाकर कर दिया 40 रन। अरबाज तो बड़े बल्लेबाज है भाई, वो नहीं आए। बैटिंग चल रही है यहाँ पर मोहितपुर की तरफ से, एक बार फिर अहमद के लिए हल्के हाथों से खेला, सम्मान के साथ खेला, बहुत अच्छी बिल्डिंग, एक रन आसानी से पूरा किया। काफी अच्छी शुरुआत कह सकते हैं इसे, 41 रन हो चुका है मोहितपुर का स्कोर। जुनैद एक बार फिर अजरू के लिए दौड़ते हुए, और अजरू बहुत ही लंबा शॉट खेलना चाहते थे, पूरी तरह से चूक गए, बॉल से नजरें हटा ली थी। अहमद के रन दूसरे खिलाड़ी होगा, अहमद खेल रहे भाई 6 बॉल पे 17 रन। एक बार फिर जुनैद क्लीन बॉल, काफी अच्छी बॉल थी यहाँ पर, जोर कर दिया अपने आप को। अज्जू के रूप में एक बड़ा झटका लगता हुआ मोहितपुर की टीम को, काफी अच्छी शुरुआत थी उन्होंने अपनी टीम को। नए बल्लेबाज आते हुए उनको भी इसी तरह से बल्लेबाजी करनी होगी, काफी बड़ा टारगेट है मोहितपुर के सामने 155 रन। भाई नाम क्या है आपका? बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे हैं शुरू, अपना विकेट गवाया। नए बल्लेबाज आए हैं सोनू, बल्लेबाज का नाम सोनू आए हैं बल्लेबाज। सामना करेंगे दिनेश का, दिनेश ने अपने ओवर में 1 बल्ला दिलाई नगला, काफी अच्छा विकेट झटका है जुनैद ने। एक बार फिर दिनेश दौड़ते हुए बल्ला घुमाया और पूरी तरह से बीट हुए के रूप में, एक रन। अब स्ट्राइक पर पहुंच गए हैं अहमद जुनैद, अपनी टीम के लिए काफी किफायती ओवर करते हुए जुनैद। तीसरा ओवर प्रगति पर है, उठा के खेल दिया है, कोई मौका नहीं, और 6 रनों के लिए अहमद के बल्ले से काफी शानदार ये शॉट। जावेद काफी बड़े हिट लगा चुके हैं अहमद। ओवर समाप्त, पावर प्ले के ओवर की समाप्ति, पावर प्ले के बाद स्कोर है 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बढ़कर हो चुका है 48 रन 1 विकेट के नुकसान पर मोहितपुर। अच्छे हिट लगा रहे हैं यहाँ पर अहमद, अगर अपनी टीम को जिताना है तो उन्हें लगातार इसी तरह के शॉट खेलने होंगे। स्कोर 48 48 रन 1 विकेट, 3 ओवर पावर प्ले समाप्त हो चुका है, पावर प्ले की समाप्ति खत्म हो चुकी है। नगला अब अपने फील्ड को फैला सकता है, चलो भाई चलो जल्दी करो यार, अब किस तरह की बैटिंग होगी मोहितपुर की तरफ से। नगला से ले चुकी है, ले भाई ले, 5 फील्डर सर्किल के बाहर खड़े गेंद का इंतजार करेंगे। बॉलर नाम क्या भाई? मुनीर बॉलिंग का आभार संभालने के लिए आए हैं नगला की टीम से। पहला ओवर मुनीर टीम के लिए, चौथा ओवर सामना करेंगे सोनू। सिराज
फील्डिंग चेक करते हुए नगला टीम का कप्तान आजम। बोनो सामना करेंगे मुनीर का, मुनीर लेफ्ट हैंड है शायद, मुनीर पांच हो गए लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट मोनू के लिए। मोनू को भी अपने बल्ले पर बॉल कनेक्ट करनी होगी अगर उनको इस टारगेट तक पहुंचना है। बहुत ठंड लग रही भाई, अच्छी बैटिंग देखने को मिली मोहितपुर की तरफ से, पूरी तरह से फाइट में है इस मैच में, मैच किस तरफ जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता। मुनीर ने दौड़ना स्टार्ट किया दौड़ते हुए और इस गेंद को कवर खेल रहे फील्डर मौजूद है, फील्डर मौजूद है आसान सके एक और झटका लगा यहाँ पर सोनू के रूप में मोहितपुर टीम को, तरफ जाते हुए मोहितपुर को दूसरा झटका लगता हुआ, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करी थी पहले ही गेंद पर लेकिन नाकामयाब रहे ये बल्लेबाज मोनू। अगर इस मैच में बने रहना है मोहितपुर को तो ताबड़तोड़ बैटिंग करनी होगी। बल्लेबाज कौन है काफी बड़ा स्कोर है 15-16 रन पर। नाम क्या भाई? भाई नाम क्या है आपका? फरमान जितना चाहिए उतना बन रहा है लेकिन दो विकेट गवा चुके हैं। बल्लेबाजी का आभार लेकर आया है फरमान, बल्लेबाज फरमान क्या नाम है बल्लेबाज का भाई? फरमान बल्लेबाज है फरमान। दोनों लेफ्ट हैंड बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद, आजम की परेशानी को कम करते हुए दोनों बल्लेबाज। नजरे चारों तरफ नजरे गार्ड कर रखे हैं कौन कहाँ खड़ा है, कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। फरमान के लिए और रोका शायद किसी फील्डर ने बॉलर को, फरमान सामना करेंगे अपनी पहली गेंद का मुनीर आलम बॉल करते हुए बॉल शानदार बॉलिंग मुनीर द्वारा, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद लगी उनके हाई पर आकर कोई नुकसान नहीं, कोई इजाफा नहीं रन का, स्कोर वहीं पर थमा हुआ है अभी भी। मुनीर एक बार फिर गोल ना टिका कर मारना चाहते थे पूरी तरह से चुके लेग बाई के रूप में, शायद लेग बाई के रूप में रन प्राप्त हुआ फरमान को। स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 39 बल्लों पे 107 रन की दरकार प्रगति पर है इस ओवर में, पिछड़ रहा है मोहितपुर, काफी अच्छा स्कोर चल रहा था 39 बल्लों पे 107 रन चाहिए भाई ना। मुनीर दौड़ना शुरू किया आगे खेल दिया है पीछे फील्डर मौजूद और ये कैच ड्रॉप काफी महत्वपूर्ण गिरता है यहाँ पर नगला के लिए, बहुत बड़े बल्लेबाज का कैच ड्रॉप हुआ यहाँ पर पड़ेगा लेकिन फील्डर वहाँ पर मौजूद उन्होंने रन की गुंजाइश को खारिज किया और इसी के साथ 50 रन मोहितपुर क्लब के पूरे हुए, 50 रन पूरे हो चुके हैं भाई मोहितपुर क्लब के, 50 रन चौथा ओवर प्रगति पर। काफी अच्छी बॉल कर रहे थे, मैच भी आ गया था लेकिन फील्डर ने साथ नहीं दिया। मुनीर एक बार फिर फरमान के लिए और एक कट मारना चाहते थे पूरी तरह से चूके, रन लेना चाहते हैं और ये एक्स्ट्रा के रूप में एक रन का इजाफा, कोई जरूरत नहीं है। लाइव 101 कंप्लीट हो चुके हैं भाई, काफी अच्छा मैच चल रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे इस लाइव मोहितपुर भी के लिए अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश करता हुआ। अहमद को चाहिए कि वो अपनी टीम को जीत तक ले जाए, फॉलो भी करते रहिए भाई। अहमद के सामने एक बार फिर लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट,
दौड़ते हुए उठा के खेल दिया है, बहुत ही लंबा हिट यहाँ पर लगता है कि दीवार पे लगेगी जाके गेंद, बोल गई ऊपर चली गई भाई, छत पे चली गई यहाँ। बहुत ही अच्छा शॉट, शानदार ये शॉट, पहला छक्का मारा है जो बॉल गिरी सामने जो घर है उसकी छत पे जाके गिरी है भाई, बोल इस टूर्नामेंट का सबसे लंबा छक्का है इस टूर्नामेंट का, 300-400-500 मीटर के करीब हो सकता है, 120 मीटर का ये गगनचुन्नी छक्का अहमद के बल्ले से। स्कोर 4 ओवर की समाप्ति के बाद 57 रन 57 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बढ़कर हुआ 57 रन 57, 2 विकेट के नुकसान पर। उसी की तरफ बढ़ रहा है मोहितपुर क्लब, उस गेंद की गुंजाइश बहुत ही कम है भाई आने की, सहजाद आ भी सकती है और नहीं भी। सत्तावन रन 2 विकेट 4 ओवर के बाद, हमें लग रहा था कि ये एक तरफा मैच होगा, नगला इस पर अपनी पकड़ बनाएगा, लेकिन मोहितपुर ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है यहाँ पर नगला को, जिस तरह से उनके बॉलरों की कुटाई हुई उनके, इसी तरह से मोहितपुर के बल्लेबाज नगले के बॉलरों की कुटाई करते हुए। अपराध अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आया है भाई, ये 1+9 प्रो सामना करेंगे फरमान, देखते हैं इधर अपराध फरमान के लिए, राइट हाफ ओवर का विकेट फरमान के लिए, गेंद दौड़ना शुरू किया फरमान के लिए और फरमान ने खेल दिया गेंद को फाइल लाइन की तरफ, बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, फील्डर मौजूद और 2 रन आसानी से पूरे के, 30 रन की गुंजाइश और ये 30 रन भी पूरा कर लिया, 3 रन आसानी से पूरे किए, काफी अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पर देखने को मिली दोनों ही बल्लेबाजों से, 3 रन आसानी से पूरे किए, टीम के स्कोर को पहुंचा दिया 60 रन, बहुत ही अच्छा स्कोर कह सकते हैं इसको, करीब करीब 15 रन प्रति ओवर के हिसाब से चल रहा है मोहितपुर, जिस तरह उनको चाहिए उसी हिसाब से मोहितपुर चल रहा है। अबरार को समझाते हुए आजम अहमद, बहुत ही अच्छा खेल रहा है अहमद, काफी अच्छा शॉट लगाया था वहां पर अहमद ने, एक बार फिर अहमद के लिए, अहमद तैयार है यहाँ पर, राइट आर्म ओवर द विकेट अहमद के लिए, अबरार और गेंद को मार दिया है लॉन्ग लेग की तरफ, फील्डर मौजूद और ये 4 रनों के लिए हल्की सी मिसफील्ड, गेंद हमारे बॉल पहुंची सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए अहमद के बल्ले से, काफी अच्छे बल्लेबाज है आराम से अभी तक 10 बॉलों पर 34 रन बना चुके हैं बल्लेबाज अहमद, काफी तेजी के साथ रन आ रहे हैं, इतनी उम्मीद की नहीं होगी मोहितपुर के कप्तान ने, 3 बड़े हिट लगा चुके हैं, उनके बल्लेबाजों ने रन बनाए हैं, उनकी उम्मीद से भी ज्यादा खड़े उतरते हुए मोहितपुर के बल्लेबाज, 156 का भाई टारगेट, गलत कमेंट ना करो भाई बिल्कुल भी, 3 फील्डर है जावेद लेग स्टंप पर बाहर, जूम कर जाएगा फिर थारा अटकन लगोगा यार, 3 फील्डर खड़े, 3 लोग खड़े हैं, 1 2 3 कोई नहीं वो तुम देख लियो भाई, अबरा अहमद के लिए अहमद ने उठाकर खेला, फील्डर मौजूद है और ये
आसान सके हैं मुनीर के हाथों में। किस चीज के लिए उन्हें यहाँ पर लाया गया था वो काम उन्होंने पूरा कर दिया है। दोनों तरफ से उनके समर्थक यहाँ पर खुशी का इजहार करते हुए अहमद काफी अच्छी बल्लेबाजी करके गए हैं, निराश नहीं होना चाहिए। काफी अच्छे हिट लगा रहे थे अहमद, ये भी शॉट काफी अच्छा था, बाउंड्री को क्लियर नहीं कर पाए। तीसरा विकेट गिरा मोहितपुर का, अबरार को मिली सफलता। पहले ही ओवर में अबरार ने अपनी टीम को सफलता दिलाई। नए बल्लेबाज नाम बताएं। साहिल, 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 नए बल्लेबाज है साहिल। अबरार अपनी टीम को बहुत ही अच्छी सफलता दिलाई। अबरार ने मुझे काफी अच्छा कैच लपका यहाँ पर, अपनी पकड़ बनाते हुए इस मैच पर नगला गए खिलाड़ी अबरार। चले राइट आर्म और योग कर दिया यहाँ पर रनआउट का चार्ज। नहीं कह सकते इसको क्योंकि बल्लेबाज अपनी क्रीज पर मौजूद थे। अबरार बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हैं अबरार, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता दिलाई। एक बार फिर साहिल एक बार को इसलिए कह सकते हैं इस गेंद को आप, कोई संपर्क नहीं कर दिया बहुत ही बल्ले और बॉल के बीच, कोई रन बनाने का मौका नहीं साहिल के पास। स्कोर थम गया है यहाँ पर अहमद के आउट होते ही, काफी अच्छा चल रहा था अभी तक। पांचवा ओवर प्रगति पर नगला की तरफ से अबरार एक बार फिर साहिल के लिए क्लीन बॉल। साहिल वापिस जाते हुए दूसरे कंधे लेकर जा रहे हैं बाउंड्री की तरफ। साहिल आउट होकर जा रहे हैं जिन्होंने अपना खाता भी नहीं खोला था अभी तक। नए बल्लेबाज आते हुए सजरे नाम बता दिए भाई, नए बल्लेबाज दलीप कलीम। कलीम आए हैं मुनीर अपने बेटे का दूसरा ओवर लेकर आते हुए। इस मैच में अगर मोहितपुर को बने रहना है काफी लंबे लंबे हिट लगाने पड़ेंगे, काफी छक्के चौकों से बात करनी पड़ेगी। मुनीर एक बार फिर लैपटॉप मुनीर परमान के लिए ये गेंद और परमान ने खेल दिया इस गेंद को, लेकिन शॉर्ट कॉर पर खड़े फील्डर ने गेंद को आसानी से फिट गया, कोई रन बनाने की गुंजाइश नहीं। मुनीर काफी अच्छी बॉल करते हुए पहले तीन ओवर चार ओवर में लग रहा था कि इस मैच में मोहितपुर काफी आगे निकल गया है, लेकिन मुनीर ने आकर अपनी टीम को आगे कर दिया। एक बार फिर मुनीर परमान ने गेंद को उठाकर खिलाया लोग की तरफ, फील्डर खान मौजूद है यहाँ पर, गेंद को जब तक फील्ड करते हैं आसानी के साथ एक रन मुकम्मल गया। अहमद के आउट होते हैं यहाँ पर छक्के लगने बंद हो गए हैं, देखते हैं कौन अहमद जैसी पारी खेलता है जो छक्के लगाएगा। एक बार फिर मुनीर साहिल के लिए कलीम, कलीम ने उठाकर खेला है गेंद बॉलर को अपने पोलो थ्रू में कैच कर लिया बहुत ही अच्छा। सुनील अपनी दावेदारी पेश करते हुए मैन ऑफ द मैच बनने की दावेदारी, सुनील धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हुए तीन विकेट ले चुके हैं शायद। बहुत अच्छा कैच भी पकड़ा था और दो विकेट भी ले चुके हैं सुनील। छठा ओवर प्रगति पर मुनीर
नए बल्लेबाज आए हैं कप्तान। नाम बताइए भाई, बल्लेबाज गुल बहार भाई, सॉरी भाई तैयार थे राधा गुलबहार भाई। मुनीर फरमान के लिए, फरमान ने उठाकर खेला, सेंटर वहां पर मौजूद है और विकेट अरबाज के रूप में, क्या नाम उसके पत्तों की तरह बिखर गई है फरमान के रूप में। काफी अच्छी शुरुआत के बाद इतनी पूरी मिडिल ऑर्डर बिल्कुल लटखड़ा गया यहां पर मोहितपुर का। किसी को आकर एक टावर तोड़ पारी खेलनी होगी, दर्शकों का मनोरंजन करना चाहिए किसी को आकर। नए बल्लेबाज का नाम बताए सजने, 66 रन हुए इनके साथ ओवर के बाद बता दूं मैं कंफर्म करके। काला मुनीर की अगेन, काफी अच्छा शॉट खेला यहाँ पर, फील्डर मौजूद है, एक रन से नहीं रोक पाएंगे। बल्लेबाजों ने धीरे धीरे 200 रन भी पूरा कर लिया। मोहितपुर काफी अच्छी रनिंग करते हुए आराम से फायदा उठाया यहाँ पर, फील्डर ने थोड़ी सी मार सुस्ती दिखाई और बल्लेबाजों ने सुस्ती दिखाई। ओवर समाप्त, स्कोर 6 की समाप्ति के बाद 68 रन, 6 ओवर की समाप्ति के बाद 68 रन भाई। काफी विकेट गिर चुका है यहाँ पर मोहितपुर के, उनके खिलाड़ी धीरे धीरे बाहर के लिए बॉल से पहले और एक रन और 69 रन, 6 विकेट गंवा चुका है। बहुत ही बड़ा टोटल बनाया था नगला की टीम ने। कल के 3 ट्रिपल हेडर बोल सकते हैं हम इसको, बहुत ही बड़े बड़े मैच है, अभी हम उनकी जानकारी देंगे। खान एक और क्लीन बॉल, 7वां झटका लगा यहाँ पर मोहितपुर, 7वां झटका, 7 विकेट गिर चुके हैं मोहितपुर की टीम के। खान ने बोल्ड मार दिया यहाँ पर काले को। नए बल्लेबाज का नाम बताओ जाए भाई, अयान खान सामना करेंगे यान कल के मैच में। खान और ये यान ने खेल दिया, फील्डर मौजूद अबरार वहां पर, मिसकेज एक रन और जोड़ा आयान ने अपनी टीम के लिए, अपना खाता खोला। पहला मैच कल शाम 5 बजे भोलनी और पुट्टा में क्लीन बॉल, और यहाँ पर एक और विकेट दिला जाए खान ने अपनी टीम, 8वां झटका लगा यहाँ पर मोहितपुर को। पूरी तरह से विकेटों की झड़ी लग रही है यहाँ पर, खान विकेट पर विकेट चटका रहे हैं, बल्लेबाज चेंज हो रहे हैं। नाम बताए नए बल्लेबाज का, क्या नाम भाई? इकरार, नए बल्लेबाज है इकरार। भोलनी और पुट्टा नगला के बीच शाम 5 बजे बहुत ही बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, दोनों ही सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट की टीम है। और ये बहुत ही अच्छी ओवर करके जाकर डायरेक्ट उनके प्यार पर तक रही लेग बाई के रूप में एक रन इकरार ने लिया। दूसरा मैच 7 बजे सरसावा और भगवानपुर, सरसावा जो के सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, भगवानपुर जो हमारे पास ही है, भगवानपुर की काफी अच्छी टीम है, सरसावा की भी उससे भी अच्छी, दोनों टीमें काफी अच्छी है। बहुत ही बड़ा मैच जो 7 बजे देखने को मिलेगा। खान का ओवर समाप्त हो गया है यहाँ पर, 7 ओवर समाप्त हो चुके हैं, स्कोर हो गया है 72 रन, 72 रन, 8 विकेट के नुकसान पर। दूसरा मैच सरसावा और भगवानपुर के बीच मिलेगा। आजम की इस बॉल को खेलने चाहते हुए पूरी तरह से बीट हुए
सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि वो बहुत ही बड़ा मैच है कल कुटन अगला और भूल निशापुरे के बीच में, उसमें ज्यादा से ज्यादा तादाद में आकर आनंद उठाए। और दूसरा मैच भगवानपुर और सरसावा के बीच शाम 7 बजे, जो करीब 7:30 बजे शुरू होता है मैच। और तीसरा मैच यहाँ पर मनु क्लब वर्सेस अंबेडकर क्लब, टाइमिंग है 9:30। माधोपुर की ये दोनों टीमें अपना दमखम दिखाएंगी कल रात तीसरे मैच में। बोलनी पुट्टा नगला काफी बड़ा मैच, आज हम डॉट पे डॉट करते हुए यहाँ पर अपना है जो औपचारिक तय बाकी है इस मैच में, ऐसा कुछ खास बाकी नहीं बचा है। अच्छा शॉट, फील्डर मौजूद है, देखते हैं। और ये मिस फील्ड कर दी वहां पर मुनीर, 4 रन। ओवर समाप्त, स्कोर अपडेट करें 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो गया है 76 रन। आधे रन बने हैं अभी और करीब करीब 75-80% टीम ऑल इन में जा चुकी है। यहाँ पर कल के तीनों मैच की अपडेट मैंने आपको दे दी है, एक बार फिर से बताना चाहूंगा गोल निशापुरा और कुंडा नगला के बीच 5:00 बजे और सरसावा भगवानपुर के बीच, और ये 9 बॉल में समझ जावे अबरार की 9 बॉल देखते कितना फायदा उठाते हैं इकरार। और ये 4 रन उनके रुकते हुए फील्डर वहां पर देख रहे हैं गोल को, 2 रन आसानी से पूरे करेंगे, काफी ताक बांध कर मारा उन्होंने हमारे खंबे को। बल्लेबाज का क्या नाम होगा इसका पूरा नाम? अच्छा नाम, निकनेम। बहुत ही अच्छी बॉल कर रहे हैं अबरार, इन्होंने बहुत ही बड़ी सफलता दिलाई थी अपने ओवर में। और उठाकर खेला, फील्डर मौजूद है, नहीं पकड़ेंगे, उनसे आगे गिरी बॉल 2 रन के रूप में। हाँ मैं आ जाओ, 1 ही रन बल्लेबाज ने बना किया, 1 रन 80 रन। और उठाकर खेल दिया बॉल, आ रहे हमारे पास कादिर भाई बॉल को पकड़ेंगे, और ये गेंद का दिल बाहर मार के जोर की काफी अच्छा शॉट मारा सानी ने, बॉल सीधे अबरार के हाथों में पहुंच गई। कमेंट्री बॉक्स में जो टेंट लगवाए बॉल उसके ऊपर आई थी, 4 रन बने यहां पर अबरार की ये बॉल। और इस बॉल को उठाकर खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद है खान, 1 रन 2 रन यहां पर खान ने काफी सुस्ती दिखाई, 3 रन भी हो सकता है। और 4 हो गए, 3 रन दौड़ लिए मारते रहा, 6 रन। बहुत ही अच्छा शॉट यहां पर निकलता हुआ बल्लेबाज के बल्ले से 6 रन के रूप में, जो यहां पर ग्राउंडेड सिक्स देखने को मिला हमें। अबरार एक बार फिर इस गेम को भी उठाकर खेलना चाहते थे, फील्डर मौजूद, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे, अब की बार कोई गलती नहीं, कोई कोताही नहीं। नौ ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बढ़कर हो गया है 90 रन 90 रन 90 रन हो भाई। अच्छा ये एक बॉल पर 10 रन ले जीत नहीं बनता। लास्ट ओवर है मोहितपुर की इनिंग का, मैच औपचारिकता है, बाकी इतने रन नहीं बनते एक ओवर में, करीब 65 रन चाहिए एक ओवर में। और गेंद जा रहे बाउंड्री लाइन की तरफ, 6 रन। फील्डर से अनुरोध है कि वो बॉल को पकड़ के ले आए,
लगता है माधेपुर वाले इस फाइनल को इतना बड़ा बना देंगे। बॉलर का नाम क्या था भाई? सखुजी का गड्ढा समीर। आलम आलम अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आते हैं आलम, और जोर को एक रन ने उड़ाकर मारा है। देखते हैं अंदर का सारा चोर है, बहुत ही अच्छे शॉट, काफी लेट हो चुका है यहाँ पर। अब इनसे कोई भी फायदा नहीं पहुंचाएगी, कोई शुरू कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। तो ठुआना भाई उसे बहुत ठुआ जल्दी से यहाँ से तुम इंतजार करो जाएंगे। जीत गई भाई मोहितपुर, नगला जीत गई भाई मोहितपुर आ रही। 1-3 रन। कल मिलते हैं आपको मतलब काफी अच्छा स्कोर है। मैं साहिब चौरासे के साथ कैमरामैन जालनवाज चावड़ा माधोपुर।